वीडियो वीडियो कहाँ है? वीडियो न्यू वीडियो कहाँ है? वीडियो कहाँ है? वीडियो कब आएगी? वीडियो 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 वीडियो। तुम लोग तो पूछते नहीं हो वीडियो के बारे में। हाँ तो आज हम वापस आ गए। इंडिया और किसका मैच? साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, उस पर हम मीम रिव्यू लेके आ गए हैं। भाई मानो ना मानो, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच ऐसे लग रहा है जैसे 10th और 1st स्टैंडर्ड के बीच में मैच चल रहा है। भाई साउथ अफ्रीका टीम में या फिर हलवा पे क्या क्या प्लेयर है यार। वो भी क्या दौर था जब मतलब मैच में इंटरेस्ट आता था यार। अभी तो एबी डी विलियर, डेल स्टेन, फाब डू प्लेसिस। अब बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच पे जो बने हैं मीम्स। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैचेस चल रहे थे उसमें अपने पुजारा भाई साहब ने जो नाम कमाया था ना, मीम्स बनने के ऊपर नाम कमाया था, उसे वो कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं अपने साउथ अफ्रीका टूर पे। जैसे मैच चालू होता है अपने पुजारा भाई साहब आते हैं और आउट हो जाते हैं, तो उसपे पुजारा का जो खराब परफॉर्मेंस चल रहा है उसे देख के पुजारा भी यही बोल रहे होंगे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पुजारा भाई आते पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा वो पिच पे रुके थे की ड्रेसिंग रूम भी उन्हें यही बोल रहा था, अरे बाबा अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। पुजारा कैसे 0 पे आउट होते जो कोई भी कोहली को बोल रहा था कि तूने इसका सिलेक्शन किया है, तू इसका जिम्मेदार है, तो उस पे विराट भैया यही बोले होंगे, लो 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 सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। जो कोई भी पुजारा भैया से आस लगा रखा था कि पुजारा भैया आएंगे और अपने एकदम वॉल की मतलब एकदम ग्रेट परफॉर्मेंस देके जाएंगे, पर 0 पे आउट हो गए। तो उसपे सारे फैंस उन्हें यही बोल रहे हैं, शर्म करो, भगवान से डरो। पुजारा जीनिंग भाई ये तो शुरू होते खत्म हुआ है। पुजारा भैया के आउट होने के बाद अपने कोहली भैया आए और वो एकदम मस्त खेल रहे थे, और कोहली भैया के ऐसे एकदम मस्त खेलते देख सभी लोग आस लगा रखे थे कि कोहली भैया का 71st सेंचुरी होके ही रहेगा, पर सेंचुरी भी विराट भैया को बोल दिया की मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्यों मतलब क्या? नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। विराट भैया ऑफ साइड की बॉल क्या आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या जो उसे छेड़ते ही जाते हो और आउट हो जाते हो, साले कुत्तों की जिंदगी। विराट भैया भी अपने 71st सेंचुरी को लेके बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे पर वो भी नहीं हो रहा, तो विराट भैया 71st सेंचुरी को यही बोल रहे हैं, मुझे तंग करने लगे। कोहली इन एवरी मैच हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है हमको। पुजारा भैया कैसे पिच पे जाते ही विकेट भी उन्हें यही बोल रहा था। विराट भैया के सारे फैन तंग आ चुके कि 71st सेंचुरी कब होगी, तो उसे देख के सारे फैन 71st सेंचुरी को यही बोल रहे हैं, आओ आओ 71st सेंचुरी टू विराट कोहली। मैं नहीं आ रही तेरे पास वापस। विराट भैया जिस तरह से 71st सेंचुरी के पीछे पड़े पर फिर भी 71st सेंचुरी नहीं बन रही विराट भैया से, तो विराट भैया 71st सेंचुरी को यही बोल रहे हैं, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, पानी पे मेरी कोई फीलिंग नहीं है। एंगीडी साउथ अफ्रीका का बॉलर विराट भैया को आउट करता है और रहाने से वहाँ पे 4 रन खाता है, तो उसे देख के सारे विराट भैया के फैंस एंगीडी को यही बोल रहे हैं, तुम्हें तो फांसी की होगी। विराट भैया हर बार जैसे 30 रन बनाते उनका यही रिएक्शन होता है, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई मैं चलता हूं, ओके ओके बाय, ओके बाय। विराट भैया आते मस्त एकदम अच्छे शॉट खेल रहे थे और उससे उन्होंने अपने फैंस को एक आस दे दी थी, पर 30 रन बना के आउट हो जाते, तो विराट भैया अपने विराटियंस को यही बोल रहे हैं, आई एम सॉरी बाबू। विराट कोहली आफ्टर क्रॉसिंग 30 रन, मुझे अपने घर जाना है। इंडियन फैंस टू कोहली, शर्म है कुछ शर्म आया है। विराट भैया की बैटिंग को देख के हर कोई एक्सपेक्ट करने लगा था कि विराट भैया इस बार तो शतक मार के ही रहेंगे, पर विराट भैया वापस आउट हो जाते, तो उसे देख के विराट भैया यही बोल रहे हैं, कैसा लगा मेरा मजाक। भाई बुमराह का जो पैर मुड़ा ना, उसे देखते ही मेरे कान में एक गाना बजने लगा था, शमी भाई ने 200 विकेट ले लिए, हर एक विकेट पे आपको अपनी बीवी दिख रही थी क्या। इंडिया टीम को जब कभी भी क्रूशल टाइम पे विकेट चाहिए होता है, लॉर्ड शार्दुल भैया यही बोलते हैं, आप भी ठीक करके देता हूँ। साउथ अफ्रीका बैट्समैन इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। अरे मत, इंडिया के ओपनिंग ऑर्डर ने जो लाजवाब पारी खेली है ना, 272 पे 3 विकेट थे और 45 मिनट में बाकी के 7 विकेट गिर जाते और ऑल आउट हो जाते हैं। डिंग 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 डिंग। बुमराह का जैसे ही एंकल मुड़ा तो सारे लोग पुजारा को पकड़ लिए कि चल तेरा एंकल दे बुमराह को, तो उस पे पुजारा भैया का यही रिएक्शन होगा, मुझे अपने घर जाना है। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में मजा आया तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब घंटा घंटी कर दो। अब साउथ अफ्रीका टीम का भी वही हाल होगा जो श्रीलंका का हो रखा है। प्लेयर ही नहीं कि जिसे लोग देख सके, एंजॉय कर सके। बस गिन के 4-5 टीम बचे कि जिनके बीच में मैच होगा तो देखने में मजा आएगा। वरना क्या भाई, इंडिया श्रीलंका क्या मजा आएगा, इंडिया वेस्ट इंडीज क्या मजा आएगा, इंडिया साउथ अफ्रीका क्या मजा आएगा। भाई बचा लो यार क्रिकेट को।